हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सी। यहाँ पर ब्राजीलियन सीरिया लीग का मैच हो रहा है, क्रुजेरियो वर्सेस बोटाफोगो के बीच। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की, तो क्रुजेरियो एंड बोटाफोगो का जो मैच हो रहा है, इसके अंदर मैं फेवर करूँगा BOTF टीम को, क्योंकि BOTF टीम की रैंकिंग टॉप है इस सीज़न। 30 से ऊपर गोल ये टीम थोड़े से ही मैचेस में आराम से कर चुकी है ब्राज़ीलियन सीरिए लीग में, और जितने भी ऑप्शनल लीग्स हुई हैं, जैसे कि एक ब्राज़ीलियन कप का मैच होता है, तो बहुत लीग होती हैं। एक इनका एक ये टीम ना उधर भी खेली थी, एक कॉनबेल पता नहीं लीग थी या सूडन अमेरिकन, में नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, कोई लीग में ही टीम खेली थी, तो उसमें यहाँ पर भी इतना अच्छा प्रदर्शन था। तो बात करें यहाँ पर स्ट्राइकिंग की, सबसे पहले आपने लेना है टी शॉर्ट्स को, क्योंकि आपने टी शॉर्ट्स को नहीं लिया तो आप हार गए, क्योंकि टी शॉर्ट्स कैप्टन मेन ऑप्शन है। अगर आप इसको नहीं लेते तो भूल जाओगे, आप ये मैच जीत भी पाओगे, इसलिए टी शॉर्ट्स को पक्का करो। उसके बाद सी अल्बर्टो को पक्का करो अगर खेलता है। जैसे अगर विक्टर खेलता है तो देखिए, मैं विक्टर को लेने की राय आपको नहीं दूंगा, ये खेलता है तो इसकी राय है, क्योंकि मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर आपने एडवर्टो को लेना है। और अगर एडवर्टो के बाद फिटस नहीं लोगे चलेगा, फिटस किस जगह सेंटोस नहीं लोगे तो भी चलेगा, बट ये देख लेना कि अगर आप इसको ले रहे हो तो एक रिस्क है। और अगर मान लीजिए आपने इसको भी नहीं लेना, कई लोग क्या बोलते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि आप लोग आप अपने मैच में स्ट्राइकर पे ज़्यादा नाक देकर मिडफील्डिंग पे भरोसा किया करो, कि वो थोड़े पॉइंट ज़्यादा दे देते हैं बिना गोल के। तो ठीक है, अगर आपको वैसी टीम चाहिए तो मैं आपको एक राय दे सकता हूँ, अगर आपने चेंज करना है तो फिर फिटस लो, अगर आपने ये अपने मन से चेंज करना है। मेरी राय तो उसके साथ थी, और भी नीचे से प्लेयर्स हैं बट वो इतने बेटर नहीं है जितने कि ये है। अगर ये अल्बर्टो खेलता है तो GL वाले जरूर ट्राई करें, SL वालों ने नहीं करना मेरी तरह तो वो ना करें। एंड बात करें बी रॉड्रिग्यूस की, तो बी रॉड्रिग्यूस को यहाँ पर मैं लूँगा, भले ही CRU टीम वीक है, मैंने बताया कि एक ना एक स्ट्राइकर होना जरूरी है भाई, स्ट्राइकर गेम पलट देता है, ठीक है। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, यहाँ पर एफ मचादो जो कि मेन प्लेयर है, एंड एफ मचादो के बाद W रिबेरियो को लूँगा। रिबेरियो के बाद विटल तो मैं नहीं लेने से रहा, पागल तो हूँ नहीं, इतने सारे मिडफील्डर भर लूँ भाई एक ही टीम में। और बात करें डिफेंडिंग की, यहाँ पर मैं लूँगा वी क्वेस्टा के बाद LD प्लेसिडियो ने बहुत ज़ोरदार 16 जुलाई को गोल किया था, वो भी BRGT जैसी टीम को, तो मेरे को वही खड़क रहा है मन में कि इसको लूँगा। एंड AS सिल्मा को लूँगा, पिछले मैच के अंदर सेंटोस के खिलाफ गोल, इनका हर डिफेंडर गोल करता है भाई सीज़न में। मार्कल की बात करूँ, मार्कल भी खेल रहा है लेकिन गोल के ज़्यादा बेटर लगता है। अब लोग बोलेंगे कि मार्कल ने प्रीमियर लीग में भी वॉल्वरहैम्पटन में सीज़न बिताए हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को उतना एक्सपीरियंस प्लेयर लगता नहीं है जितना कि ये है, ठीक है, मेरे ऐसी सोच है मतलब। एंड बात करें यहाँ पर गोल कीपिंग, यहाँ पर आर कैबरल को यहाँ पर मैं जरूर लूँगा, क्योंकि कैबरल इज़ मेन प्लेयर, कैबरल के साथ जरूर जाऊँगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एंड आगे से अगर बात करें कैप्टन की, तो कैप्टन जो मेरा होगा वो होगा टी सॉर्स, एंड वाइस कैप्टन जो मेरा है वो है सी एडवर्डो, ठीक है। अगर आपने नहीं रखना तो आप वी क्वेस्टा के साथ भी एज अ वाइस कैप्टन जा सकते हो, बाकी तब तक मेरी यही टीम है, और होपफुली शायद मैं चेंज ना ही करूँ, क्योंकि मुझे तो जब तक फाइनल ही लग रही है, तो ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।